देश के संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस ने किया। पहले उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया, फिर उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, फिर उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के विरुद्ध जाकर के कश्मीर में धारा 370 लगाई और फिर भारत के संविधान का गला घोटने के लिए 1975 में देश के अंदर इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस ने देश के संविधान में सर्वाधिक संशोधन किए। यह कांग्रेस है, यह लगातार भारत के संविधान विरोधी आचरण करती है, लेकिन आज गुमराह कर रही है, कह रही है कि बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी। अरे बीजेपी तो संविधान का सम्मान करती है, लेकिन बहनों और भाइयों, इनका मैनिफेस्टो बात बात इस बात को कहता है कि फिर से आपके आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाने का कुचित प्रयास करेंगे, बीजेपी इसको होने नहीं देगी। लेकिन मैं आया हूं कुछ कहने के लिए। एक, इनका मैनिफेस्टो कहता है, क्या कहता है इनका मैनिफेस्टो, कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनेगी तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे।